तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं सूजी के गुलाब जामुन, जो एकदम बढ़िया लगते हैं खाने में और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाशनी को तैयार कर लेना है। एक कटोरी चीनी, दो कटोरी पानी ऐड करना है। अब इसमें 4 से 5 इलायची, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच घी ऐड करें। अब इसमें हम 1 गिलास दूध ऐड करेंगे, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, इसे भी अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे, इसे लगातार चलाते जाएं। इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। सूजी गाढ़ी होने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, सोडा ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। मैं इसे लंबा शेप में बना रही हूँ, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। सारे इसी तरह हम तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करेंगे। इसे हम लगातार चलाते जाएंगे। अब इसका कलर ब्राउन हो रहा है, इसे हम थोड़ा और ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसे हम चाशनी में डाल देंगे। अब गुलाब जामुन को हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे।